ये है NDMC का वो स्कूल जिसकी छत पर सौर पैनल लगाया गया है। यहाँ सौर ऊर्जा से पैदा हुई बिजली को इस स्कूल में भी इस्तेमाल किया जाएगा। मंगलवार को इस सौर पैनल का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने किया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी NDMC इलाके में रहने वाले लोग इसी तरह अब अपने मकानों की छतों पर सौर पैनल लगा सकते हैं और इससे पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल अपने घरों के साथ साथ NDMC को बेचने में भी कर सकेंगे। ये ऐतिहासिक क्षण है और इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझनी है, दिल्ली की जनता को समझनी है, क्योंकि अल्टीमेट कल्पना आपको ये करनी चाहिए कि 10, 12, 15 साल में हमारे जितने स्कूल हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, क्लब्स हैं, वहाँ पर सबको हमें सोलर एनर्जी को हार्नेस करना चाहिए। NDMC की ये सौर पैनल परियोजना फिलहाल 27 स्कूलों की छतों पर लगाई जा रही है और इस साल के अंत तक करीब 50 सरकारी इमारतों पर भी इसे लगाया जाएगा। NDMC के एक स्कूल में तो ये परियोजना आरंभ हो चुकी है। और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ NDMC के सदस्य BS भाटी जी मौजूद हैं। सर, अगला क्या टारगेट रहेगा आप लोगों का? अगला टारगेट ये है कि जितने भी विद्यालय परिषद के अंदर हैं, क्षेत्र के अंदर आते हैं, उन सभी में हम सोलर ऊर्जा के ये सारे सिस्टम बैठाएंगे और जितनी भी हमारी बिल्डिंग है और जितना भी हमारा क्षेत्र है उसमें हम बहुत जल्दी इस योजना को प्रयोग कर देंगे। NDMC की ओर से शुरू की गई अपनी तरह की इस पहली योजना के तहत परिवारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपनी छतों पर सौर पैनल लगाएं और उन्हें NDMC की विद्युत ग्रिड से जोड़ दें। NDMC इन परिवारों से बिजली खरीदेगी और इस राशि को उनके मासिक बिल में समायोजित कर लेगी। ये परियोजना NDMC की स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा है और इसे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DERC की मंजूरी भी मिल गई है। कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD News, दिल्ली।